जय हिंद, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। बीते दिनों लक्सर क्षेत्र में बंद पड़ी राइस मिल के चौकीदार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लक्सर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 28 सितंबर को एक बंद पड़ी राइस मिल में अज्ञात बदमाशों ने 70 वर्षीय चौकीदार पालेराम पुत्र मांगेराम की हत्या कर दी थी। मृतक पालेराम के पुत्र राजकुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिस पर एक टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और कुछ लोगों के संदेह के आधार पर गांव के कुछ नशेड़ी युवकों से संबंधित जानकारी मिली थी। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अकबरपुर गांव के रहने वाले मिथुन, मुकेश और अंकुश को बेगमपुर पुल से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि लूट के इरादे से इन्होंने पालेराम की हत्या की थी। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल, बैटरी, गैस सिलेंडर, पंखा, मोबाइल बरामद किया है। ये 18 तारीख को अकबरपुर गांव में एक बंद राइस मिल है, इसके चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार इसको अनावरण में लगी हुई थी। हत्या के साथ साथ यहां से कुछ सामान, जिसमें कि इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल थी और अन्य जो घरेलू सामान होता है, ये भी यहां से लूटा गया था। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस लगातार इसके अनावरण के प्रयास में लगी हुई थी और इसमें आज सुबह सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि तीन अभियुक्त जो आसपास के इलाकों के ही हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। घटना का मोटिव पार्शली रंजिश और पार्शली लूट है। इनमें से एक अभियुक्त ऐसा था जो चौकीदार को पहले से जानता था और वहीं पर काम भी करता था, इसको निकाले जाने के कारण ये क्षुब्ध था और लूट के इरादे से फिर ये हत्या की गई। ये तीनों लोग मित्रवत अंदर घुसे, फ्रेंडली लोग तरह से घुसे, खाना इन्होंने साथ खाया और बाद में अवसर देखकर इसकी हत्या कर दी। इस घटना में जो भी सामान लूटा गया था, ये सारे के सारे सामान लगभग बरामद हो गया है और इस घटना के खुलासे के लिए मेरे द्वारा 2500 और DIG रेंज जो मैडम है उनके द्वारा 5000 के इनाम की घोषणा की गई।